तो दोस्तों आज का ब्लॉग जंगल जाने का है। तो आज हम जंगल जा रहे हैं क्योंकि आज गाय पहुंचा रहे हैं बुग्यालों में। तो दोस्तों जाने की तैयारी पूरी तरह से हो चुका है। तो यहाँ पर गाय बाहर ला रहे हैं, हम नमक दे रहे हैं। तो दोस्तों गाय हमारे आ रहे हैं, दो बच्चे, तो इनको लेके जाना है। तो ये हमारे गाय दो, एक गाय एक बछड़ा है, तो इन दोनों को ले जाना है हम। तो दोस्तों हमारे दो गाय प्यारे गाय आ रहे हैं, साथ में दो पशु चराने वाले भी आ रहे हैं साथ में। आजा 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 आजा। तो यहाँ जंगल है, पूरी तरह से जंगल है, यहाँ घना जंगल है। अगर यहाँ खो जाओगे तो फिर मिलोगे नहीं। तो दोस्तों अभी शमकन्या लगा है यहाँ पे, बहुत सारे शमकन्या है। ये आपके वहाँ क्या बोलते हैं ये बता सकते हैं आप लोग? पूरे रास्ते भर में यही है। तो दोस्तों यहाँ का ये खूखार चट्टान है ये, तो ये भी थक चुके हैं हमारे गाय और बछड़ा भी थक चुका है। और यहाँ पे चाचा जी डोज बना रहे हैं, अपना स्पेशल डोज बनाया जा रहा है। कैंसर हो जाएगा, मत खाया करो। होने के कारण उत्तराखंड में जो आग लगा था उससे पूरा जल के खाक हो गया, जंगली जंगल कुछ पूरा साफ हो चुका है। बांस के पेड़ बहुत जले यहाँ। और हमारे गाय भी आ रहे पीछे पीछे, और इन खरंचों में हमारे गाय आते हुए। तो दोस्तों हम चलते चलते हमारा जंगल का जो सीमा है वो समाप्त हो गया यहाँ से। आ तेरे बाटे। अच्छा अच्छा, तो ये सीढ़ियों में चल रहे पुल है यहाँ का। चलते चलते हम पहुँचे हैं गन उडियार, और एक गन उडियार का पुल है यहाँ पे जो। तो दोस्तों ये पुल करीबन 6-7 बार टूट चुका है, तो आपको लगेगा नहीं कि ये पुल इतने बार बन चुका है। हर साल करीबन 2-3 साल में बनते रहता है और टूटते रहता है। तो यहाँ पे अभी पानी तो कुछ है नहीं, लेकिन बरसात में जो नाला आता ना सब कुछ बहा देता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ गिरने के बाद बहुत लोग मर भी जाते हैं बरसात में नाला। घास कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा रेस्ट के टाइम पे खाने के लिए ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों ये एरिया गांव की सीमा एंट्री कर चुके हैं यहाँ से, अब रास्ता है उनके गांव का। तो ये गांव से होते हुए हम पहुँचेंगे अपने मंजिल तक। पहुँच चुका हूँ इस गांव में, तो इस गांव का नाम गांधीनगर है। तो यहाँ बहुत दूर दूर घर हैं, तो देख ही सकते हो। यह है गांधीनगर, प्यारा सा गांधीनगर है। अगर उसका दूसरा भाग है वो, तो जो पहले आपने देखा है वो एक साइड का है, ये दूसरे साइड का गांव है। एक बार आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। आपने अभी दिखाया मैंने, ये गांधीनगर का सेकंड पार्ट है, जलपार पार्ट है। तो जो पहले दिखाया था जिस गांव से आए थे वो अलग है, तो ये दूसरा इलाका है जो हमें। तो दोस्तों ये टोटल गाय हैं अभी जो हमें गांव से इकट्ठा कर रखा है हमने गांधीनगर से। तो उसके बाद यहाँ पर गायों को हम ये गधेरे में पानी पिला रहे हैं। ये जो पीछे आपको गधेरा टाइप का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम पानी पिला रहे हैं। तो यहाँ पे पानी का स्रोत हुआ करते थे जो अब सूख चुके हैं यहाँ पे, अब खाली खंडर बने हुए, धारे हैं यहाँ पे, नौले हैं बने हुए। तो हम भी यहाँ से पानी भरने की उम्मीद में आए थे, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। तो अभी और कोई स्रोत देखते हैं यहाँ पे। छुरमल का गधा गुर्दा डाला हुआ पानी है। क्या क्या कहा आपने? छुरमल है ना, छुरमल देवता। अच्छा, छुरमल देवता का। हाँ, उसका
मुक्का से मारा हुआ पानी है। अच्छा, मुक्की ने बताया कि ये थर्मल देवता का मुक्का मारा हुआ पानी है। उसके बाद प्यास लगा था देवता को, तो उन्होंने एक मुक्का मारा, उसके बाद यहाँ पे पानी निकलना प्रारंभ हुआ। तो सर जी बताइए क्या है स्टोरी आप? हाँ, ये स्टोरी ऐसा है कि देवता थर्मल देवता जब प्यास लगा था उनको पानी से तरस तरस के, कहीं पानी नहीं मिला, उसको गुस्सा आके फिर यहाँ से गदा मारा, वहाँ से पानी उपज गया। अच्छा अच्छा, पानी उपज गया। और तब से ये पानी सतयुग का पानी है। अच्छा, ये सतयुग का पानी है। सतयुग का पानी अभी भी पानी आ रहा है गुरु? अभी भी पानी बंद है। तो ये गलत जगह चले गए हैं, रौन के भूर में गए हैं ये सब। रास्ता कहीं और है, रास्ता इधर को है, इधर को जाना है, लेकिन ये सब इस साइड को निकल पड़े हैं। हो रहा है, चलते चलते एक खूबसूरत जगह मुझे मिला है, जगह मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा आपको आपके साथ दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में अच्छा दृश्य लग रहा है मुझे। तो इसका नाम आचरी धार है, ऊपर टॉप में कहते हैं इसको आचरी धार। और पीछे साइड को पूरा अच्छा जंगल है, सुंदर जगह है। चाचा जी एक बार सब्सक्राइबर को हाई कर दीजिए। भाई नहीं यार, हाय हाय हाय, हेलो गाइज, हेलो गाइज कह दो, हेलो गाइज, हेलो गाइज, नहीं गाइज गाइज, ये वह चलो चलो चलो। ओए तो बच जा। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से चलना है, ऐसे हर रास्ते हर चीज को पार करते हुए निकलना है। पूरा मलबा रखा है यहाँ पे, तो गायों को चढ़ने में दिक्कत है, यहाँ से चराई है पूरा। अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो नीचे पूरा खाई है, खाई में जाएंगे। तो एक बार नज़दीक से देखते हैं, बहुत चढ़ाई में चढ़ना है भाई इन्होंने। तो दोस्तों ये पुल टूटने के कगार पे, इस पर खतरों से भरे रास्ते में चल रहे हैं, बहुत बहुत डेंजर रोड है। चाचा जी आपको भूख तो नहीं लग गया? हाँ, खाना खाते हैं ऊपर साइड में। अच्छा नहीं यार, आगे कहीं और अच्छी जगह पे खाएंगे जहाँ पे पानी हानि मिले। जरूर जरूर जरूर, पानी के पास नहीं खाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत बढ़िया जगह, धर्मीथौर, ये धर्मीथौर कहते हैं। ये जो गांव के जो भी गाय बछड़े पहुंचाते हैं, ये उनका पहला पड़ाव है यहाँ पे। जो भी एरिया है यहाँ पे अच्छे घास हुआ करता था, अभी फ़िलहाल बारिश ना होने की वजह से यहाँ पे अच्छी घास नहीं है। तो अभी आपको और भी आगे अच्छी चीज़ें दिखाएँगे, अभी हम फ़िलहाल धर्मीथौर में पहुँचे हैं। तो धर्मीथौर भी देख लीजिए आप लोग। चाचा जी आप कह रहे हैं कि ये धर्मीथौर है, तो इस धर्मीथौर का भी कुछ स्टोरी कहानी होगा? बहुत बढ़िया स्टोरी है यहाँ का। अच्छा क्या स्टोरी? जितने भी बकरियाँ वाले आते हैं यहीं रुकते हैं यहाँ से। अच्छा, बकरी वाले सब यहीं पे रुकते हैं? बकरी वाले यहाँ से रुकते हैं, वो ऊन दिख रहा है बकरी। तो दोस्तों लंबा सफ़र है, भूख लग गया है, तो अब खाने का तैयारी हो चुका है। तो यहाँ पर हम रोटी खा रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी चलना और भी बहुत दूर है, तो चलते चलते कहीं भूख से मर ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रोटी खा रहे हैं। सब्जी है करेले का, यानी कि राम करेला कहते हैं उसका, सूखा के बना रखा है तो उसका है करेला। और साथ में चाचा जी भी खा रहे हैं, पहाड़ी करेला है बोल रहे हैं। तो अभी इसी का करते हैं, अपना पेट पूजा करते हैं, फिर आगे मौका मिले ना मिले अच्छी तरह से खाने का, क्योंकि अभी यहाँ पे गाय भी अच्छी तरह चल रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरह से हमारे गाय चल रहे हैं यहाँ पर, तब तक हम खा लेते हैं यहाँ पर। चलो फिर
तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ, क्योंकि 5-6 घंटे से कंटिन्यू चल रहे तो थकान बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं सो रहा हूँ। आप भी सो जाओ। नहीं नहीं अभी मत सो। क्यों? अभी 2 घंटा और मेहनत करो, उसके बाद फिर आगे खतरनाक रास्ता है, कहीं बारिश आ जाएगा, कहीं कुछ होगा तो हमको समस्या आएगा। अच्छा, जब बारिश होने की, सोना नहीं है, जो सोया वो खोया। अच्छा, जो सोया वो खोया। चलो यार गाइस, चाचा जी की बात मान लेते हैं, तो अब चलते हैं आगे को, और फिलहाल गुड़ का मज़ा ले रहे हैं खाते हुए। तो दोस्तों चलते हैं फिर आगे की तरफ। आगे को बढ़ रहे थे, लेकिन अभी चाचा जी ने कहा कि यहाँ पे जामुन का पेड़ है, तो मैं आपको एक बार जामुन का पेड़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चाचा जी आप कह रहे हैं कौन सा वाला है जामुन का पेड़? ये वाला, ये जामुन का पेड़ है। इसमें तो जामुन कहाँ लगते हैं? तो दोस्तों ये है एक जामुन का पेड़, ये वाला है, और एक ये वाला जामुन का पेड़ है। इसमें फूल लगे हैं अभी फ़िलहाल। चाचा जी ने बताया कि ये वाला जामुन का पेड़ है, ये दो तो पेड़ जामुन का है, जिसका फल सितंबर अक्टूबर में लगता है, यानी कि अगस्त सितंबर के बीच में, और अक्टूबर कुछ महीने तक इसमें लगे रहते हैं। ये रास्ता पता नहीं था, तो मैं इस तरह को चलने लग गया था, तो चाचा जी ने बताया कि रास्ता इस साइड को है, इस साइड को जाना है हमें, तो हम इस साइड को बढ़ेंगे आगे को। इन पहाड़ों में ऐसा है सीन शॉट। जंगल में जाते जाते नए नए पेड़ पौधे के नाम भी पता चल रहा है मुझे, जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, तो आज सुनने का मौका मिल रहा है। तो जो ये खिम्मी है, काला खिम्मी है, इसका घी दूध रखने का बर्तन बनाया जाता है, इसे काला खिम्मी कहते हैं। तो इसके पत्ते कुछ अच्छे लगे मुझे, तो मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए। तो इस तरह के पत्ते हैं कुछ। तो दोस्तों नए नए पौधे पत्ते के नाम, जो भी पेड़ हैं उनके नाम पता चल रहा है मुझे यहाँ, नए नए जो भी हैं यहाँ आने के बाद। तो दोस्तों ये खरसू का पेड़ है, ये खरसू का पेड़ है, ये आपने देखा भी होगा, इस टाइप के पत्ते हैं ये। तो दोस्तों पौधे के, पेड़ पौधे के नाम बताने के क्रम में ये मेरे जो पीछे ये बड़ा सा लंबा सा दिख रहा है, ये रागा का पेड़ है, ये पीछे पूरा है, ये ऊंचाई तक है ये, तो इसे रागा का पेड़ कहते हैं। तो इस टाइप के पत्ते होते हैं इसके। कौन सा पक्षी है ये आवाज़ करने वाला? आप सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो पता नहीं, लेकिन काकर बहुत चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। घुर रहे काकर है, काकर है। अच्छा, तो सर जी कह रहे हैं कि वो काकर ही है। अच्छा, काकर का आवाज़ है, तो यहाँ पे यहीं नीचे पे काकर चिल्ला रहे, तो सुनो। तो दोस्तों ये सीन बताइए कैसा लगा, मुझे तो बहुत दिल को भा रहा है ये सीन। लग गया तो अभी हम पहुंच चुके हैं उमधरा में, ये कुछ उमधरा की नज़ारे हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए उमधरा कैसा है क्या है। तो यहाँ पे पूरा माहौल ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है उमधरा में। तो ये पूरा उमधरा है, तो यहाँ पे चाचा जी हैं और हमारे साथ चाचा जी के साथ, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्यारा सा मंदिर भी है, तो सिद्धनाथ का मंदिर है, सिद्धनाथ का मंदिर है ये, और इसकी भी कुछ कहानी होगा। हाँ, बहुत बड़ा कहानी है इसका, मंदिर का पत्थर का सुनाई हुआ है, यहाँ लकड़ी वर्जित है, पत्थर का। अच्छा, इधर भी दिखा दीजिए। हाँ, पत्थर का बनाना पड़ता है। अच्छा, पूरा ये पत्थर दरवाजे सब कुछ पत्थर का ही बनता है? हाँ, यहाँ का विशेषता है दरवाजा का ही। हमारे चाचा जी बता रहे हैं कि जो ये मंदिर है पत्थर का, तो इसके दरवाजे सब कुछ पत्थर के ही बने होते हैं, यहाँ पे लकड़ी का यूज़ करना यानी प्रयोग करना वर्जित है। तो ये सिद्धनाथ का मंदिर है, भगवान सिद्धनाथ यहाँ पर आके यहाँ तपस्या किए थे, होम किए थे,
फिर यहाँ से जाते हुए सतना जी गए, यहाँ से गोरीपुल गए, कलछिन गए, वहाँ का काफी बढ़िया चर्चा है। अच्छा, तो इसलिए ये उम खान का मंदिर। अच्छा, उम खान का है? हाँ, उम खान का है। अच्छा, खान मतलब तो मुसलमान जैसा लग रहा है। ना, उम खान बोलते हैं, मतलब ये धरती का ही है, ये भगवान का ही है, स्पेशल भगवान का रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। और प्यार उमाधुरा बोलते हैं। अच्छा, उमाधुरा, उमाधुरा बोलते हैं। अच्छा, उमाधुरा मंदिर है ये? हाँ, उमाधुरा मंदिर है। और यहाँ भगवान सिद्धनाथ का ये मंदिर है, जिसका असीम कृपा से यहाँ के लोग काफी सुकून मिलता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हवा भी बहुत चल रहा है, कहीं हवा में उड़ मत जाना चाचा जी। नहीं, 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 ये तो भगवान का हवा है। तो ये पूरा पत्थर का मंदिर बना है और दरवाजा भी पत्थर का ही है। यहाँ पे कोई संगमरमर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल पत्थर जो यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं उसका यूज किया जाता है यहाँ पे। तो जो मैं वीडियो डालता हूँ तो यार बिल्कुल फ़ोटो बेकार आता है धूप में, लेकिन लोगों का देखता हूँ कई अच्छा आता है। ऐसा यार बहुत बेकार आता है मेरे फ़ोन में। नहीं यार, दूसरा आदमी जब निकालते हैं तो उसको अच्छा ही लगता है, अपना चीज़ अच्छा नहीं लगता, दूसरे लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, ये अनुभव है। अच्छा अनुभव, मुझे लगा कि मेरा फोन ही खराब है। नहीं नहीं, अपना चीज कोई भी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं दिखता है, दूसरे का चीज अच्छा दिखता। अच्छा, है दूसरे का चीज ही अच्छा दिखता है। जब दूसरे आदमी आपका देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा। तो उमधुरा सब आगे को बढ़ रहे हैं, और भी आगे को जाना है हमें। अभी तो सिर्फ आधा सफर है, अभी कुछ एक घंटे का सफर और तय करना है हमें यहाँ से। तो आगे को निकलते हैं, फिर और आपको कुछ नई चीजें बताते हैं, या फिर जो भी नई चीजें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो तब तक चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रहा है, आइए आइए। तो ऐसा चिल्लाना जरूरी हुआ? ऐसा चिल्लाना जरूरी होता है? अच्छा, जंगल में चिल्लाना जरूरी होता है। अच्छा, दूसरी जगह जानवर होते तो उनका आवाज पहुंच जाता है इंसान का। अच्छा, तो चाचा जी चिल्ला रहे हैं, एक बार पूछ लेते हैं क्यों चिल्ला रहे हैं अभी। तो चाचा जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं इतने जोर से जंगल में? जंगल में चिल्लाना ही पड़ता है, शेर भालू और कई प्रकार की जानवरों की भाई से चिल्लाने की वजह से उनके कान में आवाज आता है, तो वो सतर्क हो जाते हैं। अच्छा, जानवर से सतर्क करने के लिए? जानवर भी सतर्क हो जाते हैं, आदमी भी सतर्क हो जाता है। तो दोस्तों ये भी मेरी तरह ही है, जैसा मैं हूँ ऐसे ही बिल्कुल थक चुका है। ये भी चलने में बिल्कुल बेकार हो चुका है, चल ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों जंगल में आने के बाद इसके पहले जो ये द्वाल कहते हैं उसको खोलना पड़ता है, इसको, तो ये रस्सी है, इसको खोल के इसको लगाना पड़ता है, घर ले जाना पड़ता है, नहीं तो गले में फंस के टूट सकता है। तो ये है द्वाल, जो रस्सी गले में जाते हैं इसको हम द्वाल कहते हैं। तो ये हमने निकाल लिया द्वाल, अब ये कहीं फंसेगा नहीं लकड़ी वकड़ी में, कहीं गले में फंसने का चांस अब कम रहता है और सुरक्षित रहेगा। नहीं तो कहीं इससे दिक्कत ये होता है कि अगर हमने ये ऐसे पहना के छोड़ दिया तो ये कहीं पे रस्सी में फंस के लटक सकता है और इसको फांसी की सज़ा हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए इसको निकाला जाता है,
तो चाचा जी आपका क्या है, यही है जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, ये सत्य वचन है। अच्छा सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो दोस्तों अभी मैं सात भाइयों का जंगल पहुँचने वाला हूँ, तो आपको वो दिखाऊँगा एक बार, तो उसकी भी स्टोरी सुनाऊँगा, क्या स्टोरी है कैसा है, तो चलते हैं एक बार देखते हैं वहाँ का। दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, टॉप में खड़ा हूँ, कई चट्टान है यहाँ से पूरा, मेरे तो फेफड़े दिल सब कुछ हाथ में आ रहा है डर के मारे, तो ये पूरा पीछे पूरा चट्टान है, इधर देख के तो मेरी वाट लगी पड़ी, देखने का भी मन नहीं हो रहा नीचे को, बहुत ख़तरनाक चट्टान है इधर से, मैं तो पैर अपने आप कांप रहे हैं यहाँ से नीचे देखने में। तो दोस्तों हम यहाँ पे बैठे हैं किनारे पे, डर बहुत लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम इतने ख़तरनाक जगह पे बैठे हैं कि लोग भी दिल हाथ में आ जाएगा उनका डर के मारे। तो अभी यहाँ पे चाचा जी कुछ बता रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूँ तो इस बात को, तो चाचा जी बता रहे हैं। तो चाचा जी, तो जैसे कि आप हर स्टोरी बताते हैं हर जगह का, तो ये जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जंगल, तो उसका भी कुछ स्टोरी होगा, क्या नाम है? हाँ, इसका बहुत बड़ा स्टोरी है। अच्छा अच्छा, क्या स्टोरी दिख रहा है? ये पूरा सात भाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा, एक बार सात भाई गए थे कहीं घूमने के लिए, गए थे वो सब दफन हो गया था, वापस नहीं आए, फिर उनके गाँव घर के बहुत सारे लोग तलाश करने के लिए गए थे, उनको भी नहीं मिला। अच्छा, फिर उसका पिताजी गए थे उसको देखने के लिए। अच्छा, पिताजी गए थे उसको देखने के लिए। हाँ, उनका अपने बच्चों को देखने के लिए पिताजी गए थे उनका। फिर वो भी कई महीना तक वैसे बिना खाए पिए प्यासा, भूखा प्यासा ऐसे रहा। अच्छा, भूखा प्यासा मिला। फिर एक बंदूक मिला बताते हैं, मतलब मेरे को तो देखा नहीं है लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं, एक बंदूक मिला बोलते हैं। फिर वो बंदूक में उसका दिल में आया कि मैं बंदूक लेता हूँ, तब एक आकाशवाणी टाइप का आया वहाँ। अच्छा, आकाशवाणी हुआ भगवान ने, क्या होगा ना? हाँ, आप आवाज़ आया कि मतलब तुमको बचना है तो नंगा होके चले जाओ, अगर तुमको मरना है तो मरो, लेकिन कोई मिलने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब भगवान ने भी मना करते कि कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए ये पातल का नाम ही सात भाई पातल है। तो चाचा जी ने जो स्टोरी बताई, तो मैं वो जंगल दिखा देता हूँ। तो ये कौन सा जंगल है जिसमें सात भाई खो गए और उनके पिताजी यहाँ ढूंढने गए थे, तो वो जगह मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये तो ये चट्टान है इधर का, तो जो सात भाई जंगल कह रहे हैं तो यही है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है कि हो गए। तो दोस्तों जो हार्ट अटैक आने वाले कंडीशन में बैठे हैं ना हम, तो किनारे पे बैठे हैं, यहाँ से सीधा डर के मारे तो अपना हालत ख़राब हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सीधा नीचे चट्टानी है। ये देखो चील भी यहीं से जा रहा है। तो ये सब सुंदर सुंदर सात भाई बहनों का जंगल है ये पूरा। तो दोस्तों गाय को गायों के झुंड में मिला दिया है, तो अब वो वहीं साथ में रहेंगे, तो वह घर की वापसी करने का टाइम हो गया, तो अब घर चलते हैं। अभी फ़िलहाल 3 बज रहे हैं, यहाँ घर वापसी करना है अभी। तो दोस्तों घर वापसी के इस क्रम में मैं फिर से पहुंच गया हूं यहां पे उमधुरा में। तो दोस्तों ये उमधुरा है। तो दोस्तों घर वापसी में फिर से मैं उमधुरा में पहुंच चुका हूं, तो यहां पे अच्छा लग रहा है मुझे यहां पे आके। काट लिया? रुको रुको रुको, वन में। दोस्तों यहाँ पे चाचा जी बांध रहे हैं इसको, अब इसको बांध के झाड़ू बना रहे हैं, तो एक बार आपको फाइनल दिखा देंगे ये झाड़ू कैसा बना है। तो एक बार हिला के दिखा दो कैसा और बना है। अभी ये खाली बना है, कच्चा माल है वाला अभी, तो ये दूसरा तैयार है। तो मैं एक बार तुम्हें भी दिखा देता हूँ भेड़ कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं।
दोस्तों आप बताइए कि कैसा बन रखा है झाड़ू। चाचा जी भी हैं, चाचा जी हमारे पीछे आ रहे हैं, देख सकते हो। बरसात होने पे यहाँ पे छिपते हैं, तो बरसात होने पे इसके अंदर जाते थे, तो ये बहुत अंधेरा है। तो दोस्तों अभी मैं घर वापसी में दरमियाथौर पहुँचा हूँ, दरमियाथौर। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तब तक हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो चाचा जी कुछ योगा बताने वाले हैं। तो चाचा जी हमारे योगा गुरु भी हैं, तो थोड़ा बहुत योगा बताने वाले, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो हम थक चुके हैं, हमारे पास एनर्जी भी नहीं है चलने का, तो हम इस हाल में बैठे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कैसे 2 मिनट में घर पहुँचाऊँ और तुरंत रेस्ट करूँ। अभी बहुत दूर चलना है, अभी 2-3 घंटे का सफ़र और है यहाँ से, क्योंकि अभी 4:30 हो रहा है शाम का, अभी और चलना है करीबन। उम्मीद है कि 5:30-6 बजे 6:30 के आसपास पहुँचेंगे घर को। तो अभी पैरों में दर्द हो रहा है, चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हमारे चाचा जी जो हैं योग गुरु, वो बता रहे हैं कि हमें योग करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं योग करने की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मेरे हाथ पैरों कमर दर्द कुछ ना हो। तो मैं आपको योगा दिखाता हूँ। यह है वृषभासन। वृषभासन वृषभासन अब से दूसरा वाला निकालना। अच्छा, पैरों में दर्द नहीं होगा ना इससे? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अब चक्रासन तो नहीं कर पाओगे आप? कैसे चक्रासन? ये चक्रासन हुआ, ये कौन सा आसन हुआ? चक्रासन हुआ ये भी? ये हाँ, ये वाला कमलासन हुआ। कमलासन, ये मैं कमलासन कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ये है सिंहासन। कौन सा आसन है ये? सिंहासन। सिंहासन नहीं होगा तो दोबारा करेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ जौ नहीं हो रखा, हरा हरा जौ है अभी। तो दोस्तों अभी गांधीनगर में हुए, दिखा देता हूँ आपको लोकेशन। तो ये यहाँ का गांव है। तो दोस्तों इधर का गली है भाई। Practice is by hard. God help those who help themselves. अब उसका व्याख्या करो। प्रयास करना बहुत कठिन है। प्रयास करना बहुत कठिन है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो स्वयं प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं अभी। तो घर पहुंचने के बाद रेस्ट करता हूं, खाना खाता हूं, उसके बाद फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलता हूं। तब तक बाय बाय।